सोलन के नमन मालपानी विद्यार्थी के लिए गुरुकुल स्कूल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। नमन मालपानी गुरुकुल स्कूल का विद्यार्थी रह चुका है और महज 21 वर्ष की उम्र में लगन और मेहनत के दम पर वे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका है। गुरुकुल स्कूल के प्रधानाचार्य प्रवीणा झा ने नमन मालपानी को सम्मानित किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य ने कहा कि नमन मालपानी पर जहां सारा सोलन गर्व कर रहा है, वहीं उनके स्कूल के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि नमन मालपानी की शिक्षा की नींव उनके स्कूल में ही रखी गई थी। उन्होंने कहा कि आज नमन मालपानी सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुका है। सभी युवा उन्हें देखकर जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं। सीए नमन मालपानी सोलन शहर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और आज जितने भी बच्चे कक्षा 12वीं में या 11वीं में जब वो कॉमर्स लेते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए नमन मालपानी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन चुके हैं। आज कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ने वाला हर बच्चा चाहता है कि मैं नमन मालपानी की तरह ना केवल अपने माता पिता का बल्कि अपने स्कूल का भी नाम रोशन करूँ। नमन मालपानी गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 8वीं से पढ़ रहे हैं और आज जब मेरी शिक्षकों से बात हुई नमन मालपानी को पुरस्कृत करते समय, उस सभी लोगों ने नमन के बारे में बहुत अच्छी बातें कही। हिंदी की शिक्षिका श्रीमती सुनीता ठाकुर ने बड़ी प्रशंसा करते हुए बड़े संतोष के साथ कहा कि नमन मालपानी एक बहुत ही अनुशासित छात्र थे। वो हमेशा समय का सदुपयोग करते थे, समय का बड़ी ही नियोजित ढंग से उपयोग करते थे और हिंदी लिखना उनका उनकी हिंदी लिखने लेखन में उनकी विशेष रुचि थी। सारी अच्छी अच्छी बातों ने उन्हें आज इस मुकाम पे लाकर खड़ा किया है कि आज वो पूरे स्कूल के सामने सम्मानित हुए और सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बन गए। आज मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के सभी छात्र इनसे इंस्पायर होकर के अपने भविष्य को सुधारेंगे और आने वाले समय में ना केवल अपने माता पिता स्कूल बल्कि अपने शहर और अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे। वही नमन मालपानी ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने गुरुकुल स्कूल से जमा 2 तक की शिक्षा ग्रहण की है। स्कूल में मिली बेहतर शिक्षा की वजह से आज वे ये मुकाम हासिल कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि वे आज बेहद खुश हैं क्योंकि 21 वर्ष की उम्र में पहली बार में ही वे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता के पीछे उनके दादा, परिवार और अध्यापकों का हाथ है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि सोशल मीडिया का अगर सही उपयोग किया जाए तो जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहीं भी ट्यूशन नहीं ली बल्कि YouTube को देखकर ही उन्होंने ये सफलता हासिल की है। मेरा नाम नमन मालपानी है। मैंने अपनी 8th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई गुरुकुल इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से करी। तो यहाँ पे मुझे हमेशा टीचर्स का पूरा सपोर्ट मिला और उन्हीं सपोर्ट के कारण, और उन्होंने हमेशा मतलब नॉट ओनली इन एकेडमिक्स बट ऑल्सो फ्रॉम द वैल्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेरा सारा मतलब मैंने 8th से 12th तक यहीं पर पढ़ाई करी, तो इसकी वजह से मेरे 12th में भी बहुत अच्छे स्कोर रहा, तो इट वॉज 93.2%। तो फिर मैंने फिर CA को एज अ करियर ऑप्शन चुना अपना और इसके बाद मैंने उसका एग्ज़ाम्स दिए। तो फर्स्ट एग्ज़ाम वॉज इन जून 2016, तो वो मैंने क्लियर किया। फिर मई 2017 में मेरा दूसरा उसका लेवल क्लियर हो गया। फिर इट हैज़ एन इंटर्नशिप ऑफ 3 ईयर्स, सो वो मैंने दिल्ली से करी। तो फिर आफ्टर द इंटर्नशिप वॉज ओवर आई हैव टू गिव माई अटेम्प्ट इन नवंबर 2020, तो उसमें भी मेरा CA फाइनल के एग्जामिनेशन क्लियर हो गए और 1 फरवरी को मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। तो इस पूरी जर्नी में मतलब मुझे अपने टीचर्स का पूरा सपोर्ट मिला। मैं अपने गोल के प्रति हमेशा से डिटरमिन्ड था, तो मेरा यही गोल था कि मुझे CA के सारे एग्जाम्स मतलब ट्राई करना है, कि ट्राई करना भी वी कैन ओनली ट्राई दैट वी शुड क्लियर इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो मेरा यही ट्राई था कि मेरा होता रहे, तो फिर वो सारी चीज़ें होती रही, तो इसी वजह से मैं मतलब सारी चीज़ें फर्स्ट अटैम्प्ट में होती रही, तो इसलिए वो टाइम बच गया। फिर दूसरी चीज़ थी, मेरा हमेशा से यही था कि टाइम मैनेजमेंट करते चलना है, कि मुझे इस 6 मंथ में मुझे एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं। तो फिर मतलब मैंने अपने टाइम को इस तरीके से शेड्यूल किया कि मेरा सारा गोल अप टू दिस एज ये अचीव हो जाए। मैं सबसे पहले अपने ग्रैंडफादर को इसका क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सबसे पहले CA का आइडिया मेरे माइंड में डाला था, फिर और वो मुझे बहुत अच्छा मैथ्स भी पढ़ाते थे। सेकंड मैं इसका क्रेडिट अपने फैमिली पेरेंट्स को स्पेसिफिकली, क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत शायद उन्होंने करी होगी उतनी शायद मतलब हर सक्सेसफुल आदमी भी, आपको पता ही है माता पिता का हमेशा हाथ रहता है, तो सेकंड उन्हें।
थर्ड मैं अपने टीचर्स को योगदान देना चाहूँगा इस चीज़ का, उन्होंने मेरे हमेशा मतलब सपोर्ट बने रहे मेरा। ठीक, जैसे आप अभी मुझे सोशल मीडिया के थ्रू आप मुझे जान पा रहे हो, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया, मैंने अपनी सी ए फाइनल की पूरी पढ़ाई यूट्यूब से ही करी थी मैंने, बिना कोई कोचिंग्स के, तो मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली थी सी ए फाइनल में। तो इसका यही है कि मतलब अगर आप सोशल मीडिया को ढंग से यूज़ करो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब इसके अपने अपने बेनिफिट्स है। तो मैं यही कहूँगा कि मतलब मेरा यूथ को यही संदेश है कि अगर आप टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज़ करोगे तो आप बहुत आगे जा सकते हो। तो